हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको एक ऐसी मीठी डिश बताने वाले हैं जो आप एक बार बनाइएगा और साल भर खाइएगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मीठी डिश है जो हम एक बार बनाएंगे और साल भर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बादाम की चक्की और उसमें एक ऐसी चीज मिलाएंगे जिससे वो खराब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बादाम की चक्की। तो फ्रेंड्स, बादाम की चक्की बनाने के लिए मैंने बादाम को अच्छी तरह से भून लिए थे। फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट बादाम लिए थे, आप लाल वाला भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसे अच्छी तरह से भूनकर सारे छिलके उतार लिए थे और इसके दो पीस कर लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस मैंने जला दिया फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहते हैं आप जितना बादाम लीजिएगा, जैसे मैंने 200 ग्राम बादाम लिए थे फ्रेंड्स, तो मैं 300 ग्राम चीनी लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी मैंने डाल दी है उसी तरह से नाप कर, और इसमें आधा कटोरा हम पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। आधे कटोरे पानी डालकर इसका चाशनी हमको तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ रहा है, तो इसको हम चलाते ही रहेंगे फ्रेंड्स। आंच मीडियम रखिएगा फ्रेंड्स, तेज नहीं रखिएगा। तो चाशनी कब होगी हम आपको बता देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अभी चाशनी मेरी नहीं हुई है, थोड़ा और चलाना है फ्रेंड्स और चाशनी बनाना बढ़िया से। तो चलिए थोड़ा और चला लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक ट्रिक आपको बताना है जिससे ये खराब ना हो। तो ये मेरे पास मीठा सोडा है फ्रेंड्स, चुटकी भर है, ज्यादा नहीं है, इसे डालना नहीं भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दिए हैं। अब देखते हैं मेरा चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, इसका तार उड़ रहा है। तो ये मेरा चाशनी तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, एक तार उड़ रहा है, तो सोचिए चाशनी आपका तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम बादाम डालेंगे। तो ये देखिए बादाम, मेरा जो छिलका उतारा हुआ था फ्रेंड्स, इसे हम डाल देंगे। तो चलिए आंच धीमी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तब डालिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे बादाम मैंने डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ा चला लेते हैं अच्छी तरह से, चाशनी और बादाम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको हम थाली में निकालेंगे। तो चलिए अपनी गैस को कर देते हैं बंद। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास थाली, इसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि ये नीचे चिपके ना और आसानी से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चाशनी और बादाम को इसमें हम डाल देते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, और बनाने में भी बहुत आराम है और फटाक से बन भी जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में फ्रेंड्स। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए फ्रेंड्स। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से जम जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बादाम का चक्की बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, तोड़कर दिखा रहे हैं, एकदम आराम से टूटता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कड़ापन भी नहीं है इसमें, और खाने में इतना अच्छा लगता है कि पूछिए नहीं। एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा डिश है फ्रेंड्स, बच्चे बूढ़े सभी खाते हैं चाहकर इसे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये बादाम की चक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।